आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम लाजवाब ये रेसिपी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। टमाटर की चटनी तो हम बहुत बार बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टमाटर की चटनी बनाएंगे तो सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और इसे हम स्टोर करके करीब करीब 10 से 15 दिन तक रख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। ये बिल्कुल लाल लाल होने चाहिए, ना तो ज़्यादा कच्चे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पके हुए होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल फ्रेश और लाल लाल होने चाहिए। अब हम टमाटर से जो टाइट वाला पार्ट होता है वो हम निकाल लेंगे। सभी टमाटर का ये टाइट वाला हिस्सा निकाल लेंगे और आगे की साइड हम इसमें कट लगा देंगे, यानी कि क्रॉस का निशान लगा देंगे, जिससे कि जब हम इनको उबालेंगे तो छिलका आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, मैंने इस पे क्रॉस का निशान लगा लिया है और इसका टाइट वाला पार्ट निकाल लिया है। अब हम इन्हें उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 लीटर पानी लिया है, उसमें हम डाल लेंगे टमाटर को। आप इतना पानी लीजिए कि टमाटर आसानी से उसमें डूब जाए। तो इन्हें हम उबाल लेंगे, ढक के हम इन्हें उबालेंगे करीब करीब 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। एक चाकू की सहायता से हम इसे चेक करेंगे कि ये अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। तो ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में और ठंडा कर लेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे छिलका इनका ऐसे ही अलग हो गया है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब मैंने यहाँ 10 सूखी लाल मिर्च ली हैं। इन्हें हम या तो उबाल लेंगे टमाटर के साथ ही, या इसे हम उबलते पानी में यानी कि गर्म पानी में इसे भिगो के रख देंगे करीब करीब 20 से 25 मिनट तक, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। अब टमाटर का छिलका निकाल लेते हैं हम। देखिए, बहुत ही आसानी से निकल रहा है क्योंकि हमने इसमें क्रॉस का निशान लगाया था, तो वहाँ से पहले ही छिलका अलग हो गया है। तो इन्हें निकाल लेंगे और हम मैशर से इसे मैश कर लेंगे, या आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन फ़ाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, यानी कि फ़ाइन प्यूरी नहीं बनानी है, हल्की दरदरी पीसनी है। तो मैंने इसे मैशर से मैश कर लिया है अच्छे से। देखिए, इसमें चंक्स अभी भी हैं, आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से बिल्कुल फाइन इसकी प्यूरी नहीं बनाई है। अब जो हमने मिर्च भिगो के रखी थी उसे भी दरदरा पीस लिया है। देखिए, ऐसे ही दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब एक पैन लेंगे हम और उसमें जो पल्प है टमाटर का वो डाल लेंगे और इसे हम करीब करीब 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जिससे जो भी टमाटर में पानी होगा वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। तो जब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो पका लेते हैं और पकाने से जो भी इसमें चंक्स रह गए हैं, यानी कि जो भी टुकड़े इसमें रह गए हैं, वो भी सॉफ्ट होके टूट जाएंगे। अब साथ ही साथ जो हमने मिर्च पीस के रखी थी वो भी डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और साथ साथ इसे भी हम पका लेंगे। तो करीब करीब 3 से 4 मिनट और पका लेते हैं इसे। आप चाहें तो ढककर भी इसे पका सकते हैं। तो मैं यहाँ ढक्कन लगा के इसे पका रही हूँ। करीब करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से हम इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गई हैं और देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं है। 1 से 2 मिनट और चलाएंगे हम इसे। देखिए, बिल्कुल अच्छे से पानी इसका सूख गया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए हम मिक्स पैन लेंगे और उसमें 4 चम्मच मैंने तेल डाल लिया है और 1 चम्मच हम इसमें सरसों डाल लेंगे, यानी कि राई डाल सकते हैं सरसों।
और 2 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, ये भी डाल लेंगे। अगर आपको अदरक पसंद है कि तो आप अदरक भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ लहसुन डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से पका लेंगे जिससे लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा। देखिए लहसुन अच्छे से पक गया है। अब हम जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया है वो डाल लेते हैं और इसे पका लेंगे हम अच्छे से। करीब करीब 5 से 6 मिनट और पका लेते हैं हम इसे। तेल का यूज़ हमने इसलिए ज़्यादा किया है क्योंकि हम इसे स्टोर करने वाले हैं। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो तेल आप इसमें 4 चम्मच ज़रूर डालिएगा। अगर स्टोर करके नहीं रखना चाहते हैं तो 2 चम्मच से ही काम चल जाएगा, या आप 2 चम्मच तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैंने करीब करीब 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब आधी छोटी चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। मिला लेते हैं अच्छे से। आपको नमक ज़्यादा या कम जैसा पसंद हो आप उसी के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। इसमें हम कोई भी मसाले नहीं डालने वाले हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने से इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डाल सकते हैं। करीब करीब 1 चम्मच ही डालना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं सफ़ेद सिरका इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर वैसे भी खट्टे हैं, तो मैंने इसलिए 1 चम्मच इसमें चीनी डाली है जिससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। बस ये बनकर तैयार है। 1 मिनट और पका लेंगे हैं हम इसे और फिर गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ऐसे आप चटनी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये। जब कभी भी आपका सब्ज़ी बनाने का मन नहीं हो या कोई सब्ज़ी घर पर नहीं हो तो आप ये चटनी बनाइए। आप इसे चपाती के साथ या ऐसे ही जब भी हम खाना खाते हैं तो जैसे हम अचार खाते हैं ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।